आप लोगों के तावन के साथ आज हमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है। ये आप देख सकते हैं कि ये सोल का शिकार काफ़ी ऑपरेशन करने के बाद ये हमें मिला है और आज बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आप पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। है हमारे सुल्लू बादशाह। हाँ जी सुल्लू जी, की महसूस कर रहे हो? आज हम जौनसर निकले सकरदू के दरमियान में एक इलाका है पंजन। उसका इनाम जौनसर है, पंजन है। ये कैमरा मार के दिखाए इसके जौनसर बैक साइड पे वो पहाड़ नजर आ रहे हैं। ये जम्मू के पहाड़ है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ है। ये देखे ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ है। इस तरह कैमरा मार के वो दिखाए। ये हमारा जौनसर है ना, सकरदू का इलाका है और हम सेंटर में है पंजन। हम सेंटर में पंजन और जम्मू कश्मीर के। आज हमारे साथ जो उनसे बहुत सीनियर टीम मेंबर आए हैं जो के इंजीनियर भी हैं, रांझू भी हैं। तो वो इस टाइम ज्यादा ले रहे हैं शिकार का। ठीक है, कहाँ पे फिश है, कहाँ पे बैठी हुई है, कहाँ पे। अच्छा, ये देखें, ये हमने तुर्की से इम्पोर्ट करवाया। किधर से ये जाल आया? ये तुर्की से इम्पोर्ट करवाया स्पेशल। अच्छा, तो कितने ही मालियत है इसकी? इसकी तकरीबन $5,000। ये वन मिलियन के। दरअसल ये पता है 1 मिलियन का क्यों है? ये जो उनसे वेट है ना, ये व्हाइट गोल्ड के बने हुए हैं लेकिन पानी में मार मार के ब्लैक गोल्ड हो गए, इसलिए इसकी कीमत 1 मिलियन। और जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनको भी तारीफ करवाएं जिन्होंने व्हाइट गोल्ड की कढ़ाई करवाई हुई है। अच्छा, इनकी जो सी जमीन आज का सोना उगल रही है। ये देखे, इन्होंने ये सोने की कढ़ाई वाला सूट भी पहना हुआ है। ये गोल्ड जो सा ना स्पेशल सोदिया से इम्पोर्ट करवाया गया है। ये व्हाइट गोल्ड है, ये देखे, जूम करके दिखाएं। ये व्हाइट गोल्ड है, ये देखे। और माशाल्लाह आजकल इनकी जमीन सोना उगल रही है। ये देखे, प्योर डायमंड के जो सा ना बटन लगवाए हैं। 1, 2, 3, 4। कटिंग किधर से करवाई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जाना जी, की हो रहे थे? यहाँ पर बहुत जो ना खतरनाक शिकार अभी होने लगा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो देखें जरा बूटी, हम जो ना साथ पर कर रहे हैं। ठीक हो गया, अभी देखते हैं क्या नतीजा इसका निकलता है। कौन सा शिकार है इधर? इधर जो है ना हमारे वो करण ओजरा उधर भाई खड़े हैं, उन्होंने बोला कि इतने इतने सोल है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या निकलता है इंशाल्लाह ताला। ये पकड़े, आ जाइए मेरे पीछे। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो आए हैं अल कुवैत, कुवैत से आए हैं, कुवैत से इधर तशरीफ लाए हैं। ठीक कर लो। इस भाई ने देखा पहले, वो इतना पीस देखा है। अच्छा। भाई क्या देखा इधर? इधर मच्छी देखे भाई, अभी निकले। इधर मुंह करके बताए ना, अभी निकलेगी और आपको पता लगेगा। इधर डोला भी देखा है ना। जिनका तजर्बा जो है ना 35-40 साल का। एक तो है उस्ताद असलम साहब, उस्ताद असलम साहब, और दूसरे इंजीनियर है हमारे उस्ताद रांझू। अस्सलाम वालेकुम जी सलमान साहब। सुल्लू जी, अभी अभी हमने जो इतना बड़ा सोल देखा है वो कैसे निकला और अभी कब तक ये पकड़ सकते हैं? आप रोशनी डालें अपने लफ्जों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जौनसाना वो सीनियर जौनसाना शिकारी अपने साथ लेके आए हैं। उन्होंने जौनसाना अभी एक सोल जो इतना बड़ा सोल देखा गया है, बूटी के ऊपर बैठा हुआ था। तो वाह, मैं 2-3 शहादतें मसूल हुई है कि बूटी के ऊपर सोल बैठे हुए हैं। तो एक तो ये है ना करण भाई, इन्होंने देखा है, एक तो शहादत हमारे पास जिंदा ये है, तो दो पता नहीं कहाँ गए। इन्होंने देखा है, इनका ये कहना है कि बूटी के जब मैं आया हूँ इधर बूटी के ऊपर जो सा ना लेटे हुए थे सोल दो, और मुझे देख के जो सा ना पानी में कूद गए। अब हमने रास्ता किया है मेन शिकारियों से, वो माशाल्लाह उन्होंने अपनी टीम तश्कील दे दी है, और ये ऑपरेशन का टाइम उन्होंने 3-4 घंटे का दिया है। हो सकता है कि
घंटे के अंदर या दो घंटे के अंदर ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाए। ऑपरेशन का एरिया दिखाएं ना, ये इधर आए, इधर से लेके ये देखेंगे, ये ऑपरेशन का एरिया इधर से शुरू हो रहा है और ये पूरा वो बन नजर आ रहा है, बन तक ये ऑपरेशन एरिया है। ये ऑपरेशन करना 3 घंटे लगेंगे तकरीबन, आइडिया है, हो सकता है ये घंटे में मुकम्मल हो जाए, क्योंकि सीनियर शिकारी आए हैं, एक आया जर्मनी से, एक आया फिलिपाइन से और एक अफ्रीकन है, और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं जो चाइनीज शेफ हैं जो जर्मनी से आए थे, आए हैं इधर। ये देखें ये मुतमिन होके बैठे हुए हैं, ये इंतजार में है। हाँ जी सुबह क्यों बैठे हैं इंतजार में? ताहिर रहमान इब्राहिम, अब हमारे जो मेन शिकारी हैं जो के मेन शिकारी हैं जो करण भाई जो इंडिया से आए हैं, ये देखें चेन उन्होंने डाली हुई है म्यूजिक के साथ, है चेन उन्होंने डाली हुई है म्यूजिक के साथ, इनका बहुत ज्यादा लगाव है। चले चले आप, ये करण भाई अब जा रहे हैं, ये उतरने लगे हैं, ये हमारा महाज पे जा रहा है जवान, इन्होंने सोए बड़े प्रीता नाल उन्होंने काबू करी, ये होया इन्होंने होया है, हां है अच्छा कुमा बलोन बुला लिए चुप रहा हूं, बहुत बड़ी नाकामी का सामना। हां जी ये कुवैत से जो आए हैं माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है इनका, 40 साल का एक्सपीरियंस है, ये उस्ताद असलम जो कि कुवैत से आए उनसे मशवरा लेते हैं। जी सर क्या आप महसूस कर रहे हैं? थोड़ा पास आए ना, थोड़ा पास आए, हाँ थोड़ा नीचे बैठे ना, देखा है मैंने। अच्छा तो वो भी गुम हो गया, और तू बाढ़ हाँ बेचा तेरे बड़े तो बगैर मछली नहीं फड़ी जानी, रात हनेरी मच्छी नहीं हो लभदी, रात हनेरी मच्छी नहीं हो लभदी, और बेच बड़ो दे लभदी ना लाला, तो खलो दिया है ये सेट लगा हुआ है, देखे माशाल्लाह छाता वगैरह लेके आए हैं, कुर्सियां लेके आए हैं, और बंगाली बच्चा भी आज हमारे साथ है, ये देखें बंगाली बच्चा। जी बंगाली बच्चे, ये लोगो आपने बहुत डैमरी किस्म का रेडी किया हुआ है, ये देखें, ये सबको नहीं ना पता, ये ना एक ये काका डिजाइनर है, काका डिजाइनर है जो कि बंगाल से आया, महान कलाकारी है ये एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगे नहीं इतमाद रहा, मीडिया की जिम्मेदारी है कवरेज करना, अब कवरेज करना है और एक घूमे उड़ा चले। अच्छा उन्होंने क्या पकड़ा अभी अभी? और नलाकीरा लाया उधर उतो नहीं काके रांदे, इसका इलाज करना है सारे बंदे वास्ते चंगी। उस्ताद लोगों के पास हम बैठे हैं, कुछ ज्ञान की बातें हो रही हैं, और सुलू सुलू चीफ गेस्ट के साथ बैठे हैं, अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? परेशानी देख रहे हैं, ज्यादा लग रहा है, बूटी देख रहे हैं, बूटी निकाल रहे हैं। ठीक है, वालेकुम सलाम, क्या सुखा पीजा का पियो का पियो ओके वाले बंदे, ओ ओ बड़ा ओका पी दे, ये इस एरिया के लोग आए हैं माशाल्लाह। राजू बोल आ गया ने ने आपने सर मारी सारी लाल हो कह दी, ये बंगाली बच्चा जो है ना ये देखें ये क्या पकड़ के लेके आया है। जी भाई बहुत मुश्किल से पकड़ी है, पाकिस्तान में सिर्फ दो ही थी, इसकी प्राइस है 3 लाख एक फिश की। जी ठीक है, हाँ जी, और ये आप किधर बेचेंगे जाके? ये हमारे गांव आए हैं सफाई करने का, ये हमारे गांव आए हैं, ये फ्री में सफाई कर रहे हैं। ये देखें ये पहली कामयाबी हुई है जो कि 3 लाख रुपए का एक ही दाना है। ये देखें हमारे जो ऑपरेशन के कमांडर साहब हैं, ये सारी टीम इन्होंने तश्कील दी है, और इनसे बातचीत करते हैं कि ये ऑपरेशन कब तक जो कम्प्लीट किया जाए। आओ ये देखें, हाँ जी चाचा जी ये कितों तक सोल फरे जा रहे हैं, ये देखें ये जो अपने जंगी साजो सामान के साथ उतरे हैं इस ऑपरेशन में, ये देख ये कितनी देर में आपको लगता है कि जो है ना ये ऑपरेशन मुकम्मल होगा? थोड़ी देर हो जाए कामयाबी मिलने के चांस है ना, चाचू जी कामयाब मिलने के चांस है ना, यहाँ तो जलालत के चांस है, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। उनका कहना है शिकारियों का कहना है कि यहाँ से बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, कोई बड़ी नाकामी का सामना नहीं करने वाले हम इंशाल्लाह, बड़ी कामयाबी के साथ इस प्रोग्राम। देखें ये हमारे करण ओजला भाई जो इंडिया से आए हैं, सबसे पहले वो पता है ना वो चांद, जब चांद रात को चांद देखा जाता है तो शादे मसूल होती हैं, तो फिर फैसला किया जाता है।
आज सबसे बड़ी शहादत हमें ये महसूल हुई है कि इन्होंने आते ही गाड़ी से उतरते ही सोल देखे हैं, दो बूटी के ऊपर सोए हुए थे। जो इनको देख के शातर सोलों ने पानी में जोनसेना छलांग लगा दी। उसके बाद हमने जोनसेना मेन शिकारियों से, सीनियर शिकारियों से रब्ता किया, वो माशाल्लाह यहाँ है। ये कमांडर अब जा रहे हैं दोबारा ऑपरेशन में, ये देखें। अब देखते हैं क्या होने वाला है। अभी जो करण ओजला भाई जब पानी में उतरेंगे तो सोल जो है ना छलांगे बाहर लगाने लग जाएंगे, कभी इधर तो कभी। करण भाई ने वर्दी पहन लिया, ये देखें, लेकिन वर्दी में नाला नहीं था, गंड लगाई हुई, नाला खत्म हो गया। ये देखें, आए हम आपको ऑपरेशन की एक झलक दिखाते हैं, किस तरह जोनसन नेवी के जवान ऑपरेशन करते हुए। इन्होंने ट्रेनिंग किधर से ली हुई है? इन्होंने ट्रेनिंग ली है जोनसन, ये पेंटागन से, पेंटागन से। ये देखे नेवी के जवान किस तरह जोनसन ऑपरेशन कम्प्लीट करते आगे बढ़ते हुए। कमांडर ने ऑर्डर लगाया कि ये सारी बूटी जो है ना पीछे करनी है। ये वाले कमांडर साहब हैं जो इनको जोनसन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये पेंटागन के ट्रेनर हैं ये वाले। हाँ जी, ये देखें वो टीम के जोनसन कमांडर साहब खुद इस ऑपरेशन में कूदे हैं पानी में, और ये जोनसन अपनी टीम के पीछे पीछे रहेंगे। हमारे कमांडर साहब पूरे SOP पे अमल कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान भी उन्होंने फेस मास्क जोनसन यूज किया, और जो इनके कमांडर के जवान है ना वो उन्होंने सारी धक्कियां उड़ा दी हैं। ये देखें, हाँ जी सुल्लू जी, की करना चाहिए? जरूरत पड़ने पे नफरी को जोनसन और मजीद बढ़ा दिया जाएगा। ये नफरी बढ़ाने के लिए ये देखे कमांडर साहब ने ऑर्डर लगाया, हुक्म जारी किया है, और कमांडर के जवान वो देखे वर्दी चेंज करते हुए। ये अब ये देखें, ये ऑपरेशन हो रहा है। ये देखें इस एरिया के लोग इधर हमें देखने आ रहे हैं। जी भाई, इधर कभी किसी ने ऑपरेशन शुरू किया कभी किसी? नर्वस है ना, वो हैरान हो गए हैं कि इधर पता नहीं क्या हो गया। ये आज तक उन्होंने ऑपरेशन नहीं देखा है इस तरह का। ये देखें, ये देखें, काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं, काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं। हम इनकी राय लेते हैं। जी भाई, हाँ जी भाई, पहले कभी आपने दहशतगर्दी का वाकया पेश आया? नहीं, इनका कहना है पहले तो यहाँ पे कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाकया नहीं पेश आया, तो जो कि ये ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी है। बिल्कुल, ये देखें, ये जवान जो है ना, ये जो SSG का कमांडर था इसने कामयाबी की है। ये देखे तालियां बजाएं सब भाईजान, आप लोगों को खुश होना चाहिए कि SSG के कमांडरों ने ये देखे पट्ठा पकड़ा है पीछे से। ये देखे हमारे सीनियर सहाफी आ गए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे SSG कमांडर को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने ऑपरेशन की जोनसन एक निश्चित को हासिल कर लिया है। इंशाल्लाह पीछे हमारे कमांडर की फोर्स भी आ रही है, देखते हैं। उम्मीद है कि इसी आधे घंटे में ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये पहली कामयाबी थी, बहुत बड़ी कामयाबी के साथ। SSG का जो कमांडर था, जो कि कमांडर साहब ने पहले ऑर्डर दिया था, कामयाबी के साथ उतरे हैं। ये SSG कमांडर की तब जरूरत पड़ती है जब टीम से कुछ भी ना हो। ये हमारे जवान माशाल्लाह ऐसे हैं कि ये अगले नफरी के 200 बंदे भी हों तो एक अकेला जवान जोनसन भारी होता है। SSG कमांडर की तरफ कैमरा मारे। कामयाबी, भाइयों, नेवी के जवानों,
पकड़ लिया। एक और कामयाबी, ये जो जी हमें शहादत मसूल हुई थी, दो सोल बैठे हुए थे बूटी के ऊपर, वो शहादत 100% राइट कामयाब थी। ये देखे पेंटागन के ट्रेनर बहुत ज्यादा कामयाबी के साथ ये सोल फेंकने लगे हैं। ये देखे एस एस जी कमांडर के साथ बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हुई है। ये देखे हमारे कमांडर साहब इस ऑपरेशन में खुद उतरे हैं और एस एस जी कमांडर की जो से ये बंगाली बच्चे ने देखे कामयाबी पकड़ी हुई है। हैदर ने भी ये देखे कामयाबी, एक और कामयाबी पकड़ी। आ जाओ दौड़ो दौड़ो। ये देखे बंगाली बच्चे ने, बंगाली बच्चा भी इसी का मजाक करते हुए, और आज हम सोल बिरयानी खाएंगे इंशाल्लाह। ये देखे करण औजला की शहादतें, जो जोड़ा देखा जो जोड़ा लेटर हुआ था बूटी के ऊपर, वो हमने जो रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया। परां जी कमांडर साहब, आप इस ऑपरेशन को क्लियर करार दे रहे हैं या अभी भी यहाँ एक ट्राई जारी रखनी है? एक ट्राई अभी कमांडर साहब ने ऑपरेशन क्लियर की, जॉनसन ने कोई ओके रिपोर्ट नहीं पेश की, कोई अप्रूवल नहीं दी, बिल्कुल उन्होंने और नफरी मांगी है। अभी और नफरी मांगी है, अभी एक जवान उतारा है सरजी का, मजीद चंद जवान और हमें चाहिए, चार जवान और चाहिए। कमांडर साहब कह रहे हैं कि चार जवान और आएंगे, फिर जाके जो है ना हमें कामयाबी मिलेगी। ये तो हमें माशाल्लाह कामयाबी मिल गई है। ये देखे सुलू पकड़ के दिखाओ, जरा प्यार से पकड़ो। हमने निकाल लिए पानी से, इंशाल्लाह अब जोन से हमारे चाइनीज शेफ हैं, इसकी बहुत अच्छी रेसिपी बनाने वाले हैं। अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह हम जोन से ना आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, ईद का तोहफा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करण औजला भाई ने दो जो सोल देखे थे, जो बूटी के ऊपर सोए हुए, बूटी के ऊपर सोए हुए थे, वो माशाल्लाह उन्होंने निकाली हैं। नेवी के जो जवान थे उन्होंने निकाल के बाहर फेंके हैं, दो बड़े डोले जो है ना पकड़ के दे रखे हैं। हाँ जी, तो इनकी बात 100% सच थी। हम इनकी बात को पहले क्या मजाक नहीं, तम्बाकू समझ लो, ऊपर बूटी के सोए हुए। लेकिन इन्होंने इस तरह का बयान जारी किया था कि दो सोल देखे बड़े बूटी के ऊपर सोए हुए, पहली दफा सुना। 3 किलो का दाना भी एक बीच करोड़। अभी कमांडर साहब ने ये प्रेशर क्लियर नहीं किया, उन्होंने कहा कि चार जवान और चाहिए, जो 3 किलो का जो सोल उन्होंने बोले थे वो चेक करवाएं जरा। ये देखिए, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सोल है। ये देखिए इतनी ताकतवर मछली है, बहुत ज्यादा ताकत होती है इसमें, जो कि आम बंदे के पास से ये पकड़ा नहीं जा सकता। ये पेंटागन से ट्रेनिंग लेके आए थे, उन्होंने पकड़ा है। SSG कमांडो जो कि पेंटागन के ट्रेनर थे, कट पकड़ा आम या लल्लू पंजू से पकड़ा जा नहीं सकता। कट मछली, चलो ये जाने से बात कर। हाँ जी भाई, करण भाई क्या आप महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी की बात है कि हम इतनी दूर अपनी गाड़ियाँ लेके आए हैं, इतना सफर तय किया और अल्लाह ने कामयाबी दी है, तो हमें दो दाने खोल के मिल गए। अभी अल्लाह के दाल पे भरोसा के 2-3 दाने बीच में और भी हैं, जो बड़े बड़े हैं 3-4 किलो के हैं, वो इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, तो अभी अल्लाह को जो मंजूर, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। बल्कि सेम थे या कोई सेम है? चलो 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 चलो, क्या हुआ मुझे बताओ। यहाँ पे जॉनसन, अब हमारे जॉनसन कमांडर भी उतरे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशन होने वाला है ना, आखिरी ऑपरेशन होना है, जद्दे ठीक की जरूरत है। टारगेट करने जा रही है, हमारे जवान टारगेट करने जा रहे हैं, देखें टारगेट करने जा रहे हैं। ये देखें हमारे जवान टारगेट करने जा रहे हैं, और कमांडरी तो करो ना। एक और कामयाबी के साथ कमांडर
कमांडर एसएसजी, ये देखे ये देखे सुलू। और ये पकड़ा नहीं जा रहा, बगाली बच्चे ने साथ हाथ डाला और ये पकड़ के इन्होंने सफेदों में ले गए हैं ये, और ये सफेदों में ये देखें हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ये ऑपरेशन था खुद लीड किया था कमांडर साहब ने, खुद लीड करते हुए बड़ी कामयाबी करी। ये देखें ये माशाल्लाह सही, माशाल्लाह 3-4 किलो का सवाल है ये वाला। ये हमारे जवान भी इस ऑपरेशन में काफी जख्मी हुए हैं, अभी हम उनको रेस्क्यू करेंगे, मलम पट्टी करेंगे, मलम पट्टी करके फिर ही आपको दिखाएंगे। ये देखें इतना बड़ा जो है ये पीस पकड़ा है, ये देखें ये भी जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। ये देखें और आप बेड़ा गरक कर छोड़े, अदर रखो जी समझ चले ना, बदल ले चले रखो। ये देखें माशाल्लाह ये पीस पकड़ा है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। चलो जी और ना करो उन्हें, करण भाई सही पकड़े, करण भाई सही पकड़ के बाहर निकाले, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर करें ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, ये देखें हाँ जी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये देखें चोडा लेके आए, ये चोडे में डाला जाएगा, हाँ माशाल्लाह ये सारे दहशतगर्द यहाँ रेस्क्यू कर दिए गए, निष्फलभूत कर दिए गए। हाँ ऑपरेशन में कितना टाइम है अभी? अभी तो कमांडर साहब ने तो 3-4 घंटे का टाइम दिया है, अभी तो घंटा भी नहीं हुआ। वीडियो शूटर ऐसे ही लेके आओ बाहर, ऐसे ही बाहर लेके आओ एसएसजी जवान, पेंटागन से ट्रेनिंग लेने वाले जवान कामयाब भाई। ये देखें माशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी के साथ जनरल सेक्रेटरी बहुत ज्यादा कामयाब पाए। ये देखें ये ऑपरेशन में जॉनसेना तकरीबन 3 घंटे लग गए हैं, और 3 घंटे के बाद जॉनसेना वो हमारी टीम के मेंबर सारे ऑपरेशन कंप्लीट करके बाहर निकलने जा रहे हैं। ये देखें अब कमांडर साहब निकल के बाहर अवाम को ब्रीफ करेंगे कि ये नहीं ये अभी बाहर निकल के ये सदर साहब आए हैं। सदर साहब माशाल्लाह, सदर साहब आपको बहुत मुबारक हो, ये कामयाबी आपको नहीं मिली ये हमें भी पता है, ये कामयाबी आपकी है।
दुश्मन है, असल में दुश्मन सुल्लू है। ये कामयाबी जनरल सेक्रेटरी और सदर साहब की है। ये जॉनसन है, सदर साहब, सदर साहब इस टाइम मुबारकबाद के जॉनसन है, हकदार है सदर साहब मुबारकबाद। सुल्लू आप बहुत ओवर कर रहे हैं, ये सहाफी ठीक नहीं है। अब हमारे जॉनसन है कमांडर जरबे जॉनसन ऑपरेशन जारी था 5 घंटों से, वो अब हमारे कमांडर अपनी टीम को बाहर निकल के मीडिया को जॉनसन कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद जॉन सेना लोगों के आगे हकायक रखेंगे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस ऑपरेशन में, और दुनिया को जॉन सेना ये हकीकत बयान करेंगे। नहीं, दुनिया के सामने ये पर्दाफाश किया है बिल्कुल, और कॉन्फ्रेंस के बाद अपने हकायक जॉन सेना सामने रखेंगे, और इसके बाद वो बताएंगे कि ये इलाका इस तरफ मरो, इस तरफ मरो। ये देखें, ये कुवैत से जो आए थे। हाँ जी, क्या मामला था? एम्बुलेंस में डाले इसे, और ये देखें ये रेस्क्यू करने वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज्यादा कामयाबियां मिल गई हैं। सुभान अल्लाह, जॉन सेना कमांडर साहब बाहर निकल के न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस ऑपरेशन के हवाले से दुनिया को आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जवान सारे पीछे कमांडर साहब ने सीट से बिठाओ, कमांडर साहब बैठे जिन्होंने मैक मैक पकड़ के रखे हैं। हाँ जी, थोड़ी सीट आगे ले, मैंने ठीक है, कुछ अगे सुन लो कार, तू कर तू सवाल जवाब कर। चला जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी हाँ जी सुल्लू जी, माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का जरबे ऑपरेशन जॉन सेना कंप्लीट कर दिया गया है, और हमारे कमांडर उस्ताद लामरसूर साहब और उस्ताद मकबूल साहब, हाँ जी, ये सारा ऑपरेशन इन्होंने जॉन सेना कंट्रोल किया, लीड किया, और ये 7 जॉन सेना जवान थे। ये फिश हंटर सदर साहब है, ये फिश हंटर सेक्रेटरी साहब है, और ये चाइनीज शेफ जो कि जर्मनी से आए हैं, और ये अफ्रीकी बच्चा, ये जो है ये भैया है फिलिपाइन से। ये देखें, ये ऑपरेशन तकरीबन जॉनसन ने 3 घंटे का टाइम लिया गया था कमांडर साहब की तरफ से, माशाल्लाह 2 घंटों में कंप्लीट कर दिया गया था, और इसके बाद जॉनसन हम सवाल करेंगे कमांडर साहब से कि इस ऑपरेशन में किस किन मुश्किल का सामना करना पड़ा। हाँ जी कमांडर साहब, ऑपरेशन करने के दौरान तो किस किस मुश्किल का सामना करना पाया? किस किस मुश्किल का सामना करना पाया? बूटी का सामना करना पाया, बहुत भारी बूटी है। एक जवान को लाठी भी लड़ी है, एक जवान जख्मी भी हुआ है इस ऑपरेशन में, और उसके बाद ये कैमरा मारे देखे, ये ऑपरेशन में टारगेट किए गए हैं, और ये इस ऑपरेशन के दौरान पहले ये जवान जो उनसे थोड़े से ढीले पड़ गए थे, फिर कमांडर साहब ने सोचा कि यहाँ पे एसएसजी कमांडो की जरूरत है, और थोड़ी इनको तलब किया गया, वो एसएसजी कमांडर साहब उनकी तरफ कैमरा। इन सब ने ट्रेनिंग किधर से ली हुई है? इन सब ने ट्रेनिंग जो है ना छन्नी से ली है। नहीं नहीं, पेंटागन से, पेंटागन से एसएसजी के जो उनसे जवान है, सबसे पहले उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। इधर आए भाई, ये एसएसजी के कमांडर, और मजे की बात है कि इस ऑपरेशन की जॉन सेना आखिर में फजाई निगरानी भी की जा रही थी, ये है नेवी के जवान जो फजाई ऑपरेशन कर रहे थे, और माशाल्लाह ये फिश हंटर सेक्रेटरी साहब। हाँ जी चाचू जी, ये इलाका क्लियर है, क्लियर है, इधर इधर ये क्लियर है, और आगे नवा इलाका जी। अब हमको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुना दी गई है, ये इलाका कमांडर साहब की तरफ से क्लियरियंस क्लियर साफ हो गया, ऑपरेशन क्लियर है, ये सब दुनिया को जॉन सेना मुबारकबाद दी जा रही है कमांडर साहब की तरफ से, और विक्ट्री का निशान बना दे ऐसे करके, और नारा लगा दे नारे फुलड़िया। सीधा कर। हाँ जी सुनो जी, माशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है, ये भी देखें, ये सबसे जॉन सेना हर एंड पे पकड़ा गया है। हम रोटी खा रहे थे और तो 2 घंटों की जॉन सेना मेहनत से ये इसको रेस्क्यू किया गया, ये ऑपरेशन का अख्ताम है। लाइक सुन से खींची है, वीडियो नहीं बनानी, वीडियो भी बनाओ। कॉल तक माने रहीम, हमारे जो जवान थे जो पेंटागन से ट्रेनिंग लेके आए थे, वो अब अपनी सफाई सुथराई कर रहे हैं। ये देखें, जंगी साजो सामान को जॉन सेना क्लोज कर रहे हैं, ये वो साजो सामान है जो ऑपरेशन के दौरान।
ये अपना सारा सामान जो है वो सफाई कर रहे हैं, जो के बाद में भी काम क्लोजिंग कर रहे हैं। ये देखें मेरा बड़े जलवा कर देना, ये देखें वो सदर साहब, सदर साहब भी कर रहे हैं। ये देखें जी जी सलमान साहब, सुलू जी साहब भी माशाल्लाह काफी आज खुश नजर आ रहे हैं, और एसएस जी कमांडर साहब भी अपनी जॉनसन ड्रेसिंग में आ गए हैं, जो व्हाइट गोल्ड के तिले की एम्ब्रॉयडरी का सूट पहना हुआ है। और ये देखें सारा जंगी साजो सामान क्लोज किया जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है। ये देखें जो हमारा जख्मी जवान था, ये देखें ये जख्मी जवान है हमारा, ये देखें ऑपरेशन के दौरान जॉनसन इधर सामने है, ये जख्मी हुआ है, एक जवान हमारा जख्मी हुआ है ऑपरेशन के दौरान। ये देखें ये जवाबी कार्रवाई में जख्मी हुआ है, ये मुखालिफ पार्टी ने इनको एक डंग मारा है। ये देखें अल्लाह आपको शिफा दे जी। ये देखें ये जवान जो नेवी के जवान है, ये देखें कमांडर साहब भी जश्न मनाते हुए। ये देखें ये कमांडर साहब है, ये देखें जवान ना पुत्र सदर साहब हाथ हिला रहे हो, सदर साहब हाथ जनरल कमांडर साहब अपने फन का मजाहरा करते हुए कमांडर साहब अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रहे हैं दुनिया के सामने। ये करण भाई भी जॉनसन है बहती गंगा में नहा रहे हैं, करण भाई भी जॉनसन है इंडिया से आए हैं, ये भी जॉनसन है बहती गंगा में नहा रहे हैं। लाओ जी सात डुबकियां तुम्हारे गुनाह चल रहे हैं, लाओ करण भाई सात डुबकियां लगाए आपके गुनाह जो है ना, एक एक कमांडर साहब भी आज काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये देखें ये देखें जिल करते हुए अच्छा जी सुनो जी, कर्नल साहब भी जो है ना काफी खुश नजर आ रहे हैं, कर्नल मकबूल हाँ जी हाँ जी, जो SSG की ट्रेनिंग थी पेंटागन की, वो क्या रंग लेके आई, जवान कामयाब हुए हैं या नहीं? हो गए सारे काम, ऑपरेशन जरबे अजब कामयाब। ये देखें ये ट्रेनर है, सदर साहब की काविशों के साथ ऑपरेशन कामयाब हुआ है। अब आपको एंड करके बताने लगे हैं कि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, अब सब कह दे अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। एंड हो गया हम दोनों जी।